सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एजुकेशन लर्नर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक है डी ब्रॉगली समीकरण क्या है और इसकी व्युत्पत्ति। सो आगे हम डी ब्रॉगली समीकरण देखेंगे, इसके बाद इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। सो सन 1924 डी ब्रॉगली ने ये अवधारणा प्रोस्टुलेट दी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऋणावेशित कण माना गया था, तीव्रगामी होने पर तरंग के समान व्यवहार करता है। व्यापक रूप में प्रत्येक तीव्रगामी कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है और इस संलग्न तरंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होती है, जहां एम कण का द्रव्यमान है, वी उस कण की गति है तथा एच इज इक्वल टू प्लैंक स्थिरांक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार यह प्रमाणित करता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति होती है। डेविसन एवं जर्मर 1927 के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन भी प्रदर्शित करता है। कोई भी माइक्रोस्कोप तो प्रकाश तरंगों के लिए बनाया जाता है। अब हम इसकी डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति देखेंगे। सो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को तरंग ऊर्जा में तथा तरंग ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा निम्न संबंध प्रदर्शित करते हैं। सो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ बी द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न तरंग ऊर्जा है, एम द्रव्यमान क्षति है तथा सी प्रकाश का वेग है। मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंग ऊर्जा के अत्यंत सूक्ष्म बंडलों का पुंज है। एक सूक्ष्म बंडल को क्वांटम कहा गया है। प्रकाश तरंग का एक क्वांटम ही फोटॉन है। इसकी ऊर्जा तरंग आवृत्ति फ्रिक्वेंसी वी के समानुपात होती है। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वी या ई इज इक्वल टू एच वी, यहाँ एच प्लांक स्थिरांक है, या इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा, जहाँ वी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्ब्डा। लैम्ब्डा उस प्रकाश तरंग की अर्थात फोटॉन की जब वह तरंग के रूप में व्यवहार करता है तरंग की लंबाई है। इलेक्ट्रॉन रूपी कण जब तरंग जैसा व्यवहार करेगा तो उसकी ऊर्जा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा। लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी या लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ पी फोटॉन रूपी कण का संवेग है। व्यापक रूप से यदि एम द्रव्यमान का सूक्ष्म कण वी वेग से गमन करता है तो उससे संलग्न तरंग की तरंग लंबाई लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अर्थात किसी भी तीव्र गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न तरंग की लंबाई उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपात ही होती है। सो यह टॉपिक यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।